तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। विकास एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको एडवांस बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहे। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आपको इस बोर्ड में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर मिलेंगे, जैसे कि अगर आपके घर के बोर्ड में 2100 किट हो तो आपको इसमें 2 मिल जाएंगे और साथ ही में चार्ज भी मिल जाएगा। तो ये बोर्ड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहे। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये 200 किट और एक 5 वोल्ट का चार्ज ले लिया है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और इसमें मैंने पहले से ही ये स्विच लगा दिया है, और उसके बाद हम इन सॉकेट को इसमें फिट करेंगे। तो हम इसको इसमें लगा लेते हैं। तो मैं इसमें से फटाफट से कट कर लेता हूँ और अब इसे इस बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस दूसरे वाले को भी लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों सॉकेटों को इसमें लगा लिया है, और उसके साथ ही ये 5 वोल्ट चार्ज प्लेट को भी हम इसमें लगा लेते हैं। और उसके बाद हम इसकी सबसे पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है, तो आप इसे आराम से कर लेंगे। मैं जैसा कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही करना है, तो आप इसकी बहुत ही आसानी से वायरिंग कर लेंगे। तो हमने इस सॉकेट की फर्स्ट पिन पर हमने ये वायर लगा दिया है। तो हमने इसकी एक पिन पर एक वायर लगा दिया है, और दूसरे वाले सॉकेट पर भी एक वायर को लगा देते हैं। उसके साथ ही मैं एक बड़ा वाला वायर इस पर कनेक्ट कर लेता हूं, ताकि हम इसमें इनपुट दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरह से कनेक्ट कर लिया है, और ये दोनों सॉकेट की एक एक पिन बची है। हम वहाँ पर भी एक एक वायर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर एक वायर लगा देता हूँ इन दोनों सॉकेटों की पिन पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों पिनों पर इस वायर को लगा दिया है, और उसके बाद देख सकते हैं कि इन सॉकेटों की वायरिंग पूरी हो चुकी है, और ये हमारे 2 वायर आउटपुट निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये 2 वायर निकल चुके हैं, और उसके बाद इसे एक वायर को मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो मैं इसे स्विच के साथ लगा देता हूँ इस एक वायर को। इसकी मैं फर्स्ट पिन पर इस वायर को लगा देता हूँ, और दूसरा वायर लेता हूँ और उसे सेकंड पिन पर लगा देता हूँ। और उसके साथ ही ये 5 वोल्ट का चार्ज है, उसका भी एक वायर में इसके साथ लगा देता हूँ। और हम इस चार्ज में कोई भी सॉकेट नहीं देंगे, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है, आप देखते ही समझ जाएंगे। तो हम इस स्विच पर एक इनपुट वायर और उसके साथ ही ये चार्ज भी लगा रहे हैं, और ये हमारी चार्ज प्लेट का दूसरा वायर है। हम इसे दूसरे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो हमें इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, ये दूसरे वायर के यहाँ। तो मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लिया हूँ। तो ये हमारी वायरिंग पूरी हो चुकी है, और अब हम इन सबको चिपकाएंगे। तो मैं इन सब सॉकेटों को सबको चिपका देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये फेव टाइट ले ली है, और हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैं इसे फटाफट से मिक्स कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। तो ये मिक्स हो चुकी है, और अब हम इसे इन सॉकेटों पर चिपका देंगे, इस पे भी टाइट को। तो आपको इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है, आप इसे पे भी क्यूब से भी चिपका सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी सॉकेटों को बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका दिया है। और अब हम इस पर USB सॉकेट लगाएंगे ताकि हम इसे चार्ज कर सकें हमारे मोबाइल को। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पर सबसे पहले यहाँ पर एक छेद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी USB सॉकेट को लगा दिया है और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो इस चार्जर के जो आउटपुट वायर है हम इसे डायरेक्ट इस USB सॉकेट पर कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन वायरों को लगाकर इस पर टेप भी चिपका दी है और अब हम इस बॉक्स को पैक कर देंगे। तो मैं इसे पैक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिब्बे को पूरी तरह से पैक कर लिया है और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ और ये मैंने चार्ज लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है और ये हमारा बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं इसके USB सॉकेट से हमारा मोबाइल चार्ज करके भी दिखाऊँगा। तो मैं ये USB सॉकेट लगा देता हूँ और हमारे मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल ये चार्ज हो रहा है। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त